हथियार से लैस 5 अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी राजेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। वाहन चेकिंग एवं गुप्त सूचना के आधार पर अवैध हथियार से लैस होकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे 5 अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वहीं अपराधी के साथ से 1 देसी पिस्तौल, 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 5 मोबाइल फोन व 1 पैशन प्रो मोटरसाइकिल बरामद हुई है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं एसपी राजेश कुमार। 5 अपराधी गिरफ्तार हुआ है सर, क्या मामला है और कहां का मामला है? एक गमरिया थाना क्षेत्र में कल सूचना मिली थी कि कुछ लोग अपराध के नियत से जुटे हुए हैं। इस सूचना पे वहाँ के प्रभारी थाना अध्यक्ष जयंत जी हैं, वो दलबल के साथ में गए। इनको देख करके कुछ लोग भागने लगे, लेकिन इन्होंने बहादुरी का परिचय देते हुए 3 अपराध कर्मियों को तत्काल पकड़ने में सफलता पाई। ये सभी तीनों वीरेंद्र कुमार, रंजय कुमार और सुमन कुमार, ये बिहरा थाना क्षेत्र के सहरसा जिला के रहने वाले हैं और इन लोग लूटपाट करने के उद्देश्य से वहाँ पे जमा थे। गिरफ्तारी के पश्चात इनके द्वारा अपने भागे गए साथियों का नाम बताया गया, जो कि विशाल कुमार और संजय साधा है। ये लोकल यहाँ के सिंहेश्वर थाना और गमरिया थाना के हैं। पुलिस फिर इन दोनों के पीछे भी जाल बिछाई और इन दोनों को ही पकड़ने में सफलता प्राप्त की। क्या क्या बरामद? इस तरह जयंत कुमार ने एक अपना साहस पूर्ण परिचय देते हुए जो कार्य किया है, उससे एक बड़ी अपराध की घटना घटने से बच गई। इन लोगों के पास से तलाशी के क्रम में लोडेड पिस्टल और लोडेड कट्टा बरामद हुआ है। साथ में इनके पास से 5 मोबाइल और 1 मोटरसाइकिल पैशन प्रो भी बरामद हुआ है। इसमें जो यहाँ के स्थानीय हैं, उनका आपराधिक इतिहास रहा है, हमारे गमरिया थाना में उनका आपराधिक इतिहास है, और बाकी जो बेरा और सहरसा जिला के जो है रहने वाले, उनका आपराधिक इतिहास हम लोग अभी पता कर रहे हैं। वहाँ के थानाध्यक्ष से संपर्क करके इन तीनों के संबंध में सूचना दे दी गई है। जैसे ही प्राप्त होगा हम लोग फिर उसको भी बता देंगे। जो पुलिस पदाधिकारी हैं, उनको मेरे द्वारा नगद राशि से सम्मानित भी किया जा रहा है। साथ में इनके सहयोगी के रूप में जितने कर्मी हैं, उन लोगों को भी मेरे द्वारा सम्मानित।